बटन दबा दिया, ये आ गया। ये तो वो सेटिंग आ गई। ठीक है, अभी हमारा रिजल्ट आ रहा है 4.6 ना, इसको हम चेंज कर देते हैं 0.0। ठीक है, अब हमारा रिजल्ट हो गया क्या 5.6, है ना, हमको चाहिए 5.5। ठीक है, आपने बढ़ा दिया। हाँ तो कम, मैंने बढ़ा दिया उसको सर, तो ये कम हो जाएगा। अच्छा, उल्टा बढ़ाने से कम होगा। हाँ, और माइनस से ज्यादा होगा। हाँ, ऐसे क्यों? देखो ना, अभी आप हमको 5.5 चाहिए ना सर, 6 पे 1 पॉइंट लेता है ना? नहीं, 6 पे 1 पॉइंट नहीं लेता। अभी एक बार इसका रिजल्ट आने दो, फिर मैं बताता हूँ आपको। वो अप्रोक्सीमेट मान लो 1 ही पॉइंट डाउन हुआ है। प्लस करें तो उधर प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस किया था पर आपने तो नहीं, नहीं मैंने माइनस को बढ़ा दिया। माइनस में प्लस किया था, मैंने माइनस को बढ़ा दिया सर। ठीक है, प्लस में होगा तो अब जैसे ये समझ गए ना आप। अभी वो माइनस 1 पॉइंट का कितना होता है ये तो बताओ आप हमें। 1 पॉइंट मतलब जैसे माइनस करना है, जैसे बाय डिफॉल्ट 0 रहेगी वहां पे, वो तो पॉइंट से मैं 0 कर देता हूं। मैं 0 कर देता हूं, 0 कर दो, 0 करके मुझे रिजल्ट दिखाओ एक बार इसका। माइनस भी हटाओ वहां से। हां वही हटा रहा हूं। ठीक है, अब 0 करके रिजल्ट दिखाओ मुझे इसका। अब इसका रिजल्ट आएगा 60, उसके बाद का जो सिस्टम है वो अलग है। एक बफेलो का है, काऊ का है, वो भी तो नहीं। नहीं काऊ ही है, मैं देख लेता हूं। ये 5.5 आया था। इसको एक बार वाइब्रेट करके लगाओ सर आप। और एक जैसे कोई सैंपल लगाते हैं हम, ठीक है, ताज़ा सैंपल लेके आ गए, मिक्स में लगा के देखा उसको, काउ में लगा के देखा, बफलो में लगा के देखो, अलग अलग देगा या सेम देगा? सेम देगा, सेम देगा, मिक्स काउ बफलो सेम देगा, है ना, सेम देगा। ये सेटिंग तो नहीं, मिक्स में कुछ अलग पॉइंट है, ये उस पॉइंट को कम कर रहा है। वो क्या कर रहा था, वो एक दूसरे मेन वाले पॉइंट को कम कर रहा था। मतलब आपको समझाता हूँ मैं, जैसे ये 0.06 था, वहाँ वैल्यू क्या आ रही थी 5.6, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी 5.7, तो वो 6 को 7 के बीच में डिफर कर रहा था। ये जो करेगा ना, ये अब आपको दिखाएगा असली रिजल्ट। ये यहाँ पे 0.1 कर दिया ना आपने, 10 हो गया। ये तो और कम दिखाएगा, ये बहुत कम दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 5.5। नहीं नहीं, ये 6 कर देगा, 1 पॉइंट है पूरा। माइनस में गया 6 के। मैं बताता हूँ, तो वो जो 7 था तो 6, वो 6 क्यों ले रहा था पता है? वो 0.6 था सर, 0.06 था, डबल डेसिमल वाला था वो। अभी हमने एक कर दिया है, 6 में और 1 में सिर्फ 4 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन वैल्यू वही आएगी जो पहले आ रही थी ना, वही आएगी वैल्यू। सिक्स आ गई ना, ये 1 पॉइंट कम हो गया, मतलब 10 पे 1 पॉइंट। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 5.4 चाहिए हमको, दो कम करने है ना। तो हमको यहाँ अभी 6 आ रहा है ना, तो मैं इसको 3 कर दूंगा तो वहाँ 2 और कम हो जाएंगे सर, 3 पे 2 कम होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3-3 कर देता हूँ, तो ये जो 3 है ना सर, ये अभी मीनिंगलेस है, इसका कोई काम नहीं है। इसको मैं अगर 3.6 कर देता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, 4 डाउन करेगा वहां पे, 4 डाउन। वो 1 रुपए 20 पैसे जो वाली बात है ना, 25 पैसे, तो जो 5वां पैसा है ये वहां पे जाके कैलकुलेट कर रहा है 1.6 या 1.7, ये डाउन कर दो आप। अच्छा, 1.6 या 1.7, पूरा कभी भी ना, कभी भी 1 या 2 पॉइंट डाउन मत करो, है ना, कभी भी 1.6 या 1.7 ऐसे करवा दो। ठीक है, समझ गया, फिर वो एक्यूरेट रहेगा, सही रहेगा। पहले उसकी वैल्यू देख लो सर, 3-4 बार सैंपल लगा के चेक कर लो, देखो क्या वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू के हिसाब से 7, 6, 8 ऐसा डाउन करो। कंप्लीट डाउन करोगे ना सर, तो पूरी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है।
बस यही था वो, तो इसको 0-0 कर देते हैं। कैलिब्रेशन में क्या है, काउ की कैलिब्रेशन, बफेलो कैलिब्रेशन, मिक्स कैलिब्रेशन, ये तीन कैलिब्रेशन आप कैसे करोगे, पांच बार हाई पांच बार लो। मिल्क, आपने मिल्क लगाया, कैलिब्रेशन करने के दो तरीके हैं सर, एक मैनुअल कि आपने मिल्क लिया मिल्क से कर ली, दूसरा है सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन, उसके लिए सॉफ्टवेयर देती है कंपनी। लेकिन जो मिल्क वाला है ना, ये बहुत ट्रेडिशनल है, काफ़ी लोग यही करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक हाई फैट मिल्क लेना है, एक लो फैट मिल्क लेना है, ठीक है। हाई फैट मतलब 8+, और लो मतलब 4 से नीचे वाला, 4 से नीचे, ठीक है। तो इसमें जब हम काउ कैल में चले जाते हैं तो ये हाई फैट आ गया, 7.90 डाला है, अप्रोक्सीमेट 8 डाला है, हाई फैट डाला है, ISNF डाला है 8, ठीक है। ये जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या है, फिर कैलिब्रेशन में चला जाता है, ठीक है। अभी इसने दूध होता तो दूध ले लेता अंदर, वो जो प्रोसेस था जब वो दूध को अंदर लेता, आपको पांच बार लगाना है, हर बार सैंपल को वाइब्रेट करके लगाना है सर, हर बार पांच, वो जो सैंपल निकलेगा ना हटा दो उसको, सेम नहीं, सेम उसको नहीं, अलग 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 सैंपल, अच्छा ठीक है। ये सैंपल फेंक दिया, नया सैंपल लिया, वाइब्रेट किया, फिर लगाया, फिर वो फेंक दिया, फिर नया लिया, ऐसे पांच बार लगाना है, ठीक है। फिर वैसे ही पांच बार लो का पूछेगा, फिर पांच बार पूछेगा वाटर का, उसके बाद मशीन रेडी हो जाएगी। कैलिब्रेशन सही नहीं हो रही है वो कैसे पता चलेगा, जब कैलिब्रेशन आप करोगे, जब फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हाई फैट का, तो यहाँ ER लिख के आता है, ER इजिकल टू 0.00, ठीक है। तो 0.00 या 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 है तो ठीक है, 0.25 है अगर, तो समझ लो कैलिब्रेशन फेल हो गई है। वैसे ही लो में भी दिखाएगा और वैसे ही वाटर में भी दिखाएगा। अभी कैलिब्रेशन ठीक है, ये कैसे चेक करें, इसका कोई है क्या? कैलिब्रेशन ठीक करने का तो एक ही तरीका है सर, मिल्क लो, वाइब्रेट करके लगाओ, पांच बार सैंपल चेक करो, पांचों बार रिजल्ट सेम आ रहा है, कैलिब्रेशन ओके। इस मशीन को क्लीन किया है कि नहीं किया, वो तो डेटा कमांड से ऐसे नहीं पता चलेगा, यहाँ नहीं पता लगेगा, सॉफ्टवेयर कमांड से निकलेगा, वो कंप्यूटर से कनेक्ट करके निकलता है डेटा, ठीक है। ये आपका क्लीनिंग हो गया, सेटिंग हो गया, करेक्शन हो गया, कैलिब्रेशन हो गया। कैलिब्रेशन में एक चीज़ और है, सपोज करो कैलिब्रेशन ख़राब हो गई, या आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, या कई बार क्या होता है कि हम जब कैलिब्रेशन करके डेटा चढ़ाते हैं तो ये कैलिब्रेशन का डेटा मेन PCB में जाके सेव हो जाता है, सपोज करो डेटा प्रॉपर सेव नहीं हुआ है, तो उस केस में आप क्या करते हो, कैलिब्रेशन में चले गए, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन है जिसका सॉफ्टवेयर थ्रू करते हो, ये टेम्परेचर कैलिब्रेशन है, ये रीस्टोर यूज़र कैलिब्रेशन जो आपने पहले की होगी उसको यूज़र को अपनी एग्जिस्टिंग को करना है, ये फैक्ट्री कैलिब्रेशन, आपको लग रहा है गड़बड़ हो गई तो ये आप कर दोगे ना, ये ऑटोमेटिक जो फैक्ट्री से होके आई होगी साल दो साल तीन साल पहले वो कैलिब्रेशन उठा देते, ये फैक्ट्री की रहेगी जो हमने करके दिया आपको, तो आधी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है, ठीक ठीक है। पहला तो ये इसमें लास्ट ऑप्शन है। तो अभी जो नई मशीन आती है उनमें भी कैलिब्रेशन अलग हो के आता है या ये कैलिब्रेशन रहता है, अभी जैसे मान लो अपडेट हो के आता है कैलिब्रेशन भी आपका? कैलिब्रेशन तो वो मैन्युअली करके भेजते हैं सर, हर मशीन का अलग, हर मशीन का अलग अलग कैलिब्रेशन होता है, लाइन से ऐसे सिस्टम लगे होते हैं 40-50, हर मशीन में वो सैंपल लगाते रहते हैं, पांच बार हाई पांच बार लो, सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन नहीं करते वो, और वो सेव हो जाता है, सेव हो जाता है, उसी को रिस्टोर करते हैं, उसी को रिस्टोर करता है वो, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक हो गया, अब इसमें कोई यूजर चाहे तो खुद का कर सकता है अपना, कर सकता है, अच्छा ये सिस्टम, ठीक है। ये छोटी सी चीज है, हम यूजर को बता देते हैं, ये डायग्नोस्टिक हो गया सर। इसमें आप चले जाओगे अल्ट्रासाउंड, सेंसर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं चेक करना, चेक करना, ठीक है। इसका मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, साइकिल टेस्ट, कितने बार साइकिल चलाना है, लोड डिफॉल्ट,
ठीक है, डुप्लीकेट कैलिब्रेशन, यूनिक नंबर, ये काम का नहीं है, ये भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड। अभी आप पहले इसमें चले जाओ लोड डिफॉल्ट, जैसे कैलिब्रेशन होती है ना सर, वैसे ही मशीन में और भी सेटिंग होती है। ये बटन दबाओगे लोड डिफॉल्ट में चली जाएगी, अपने आप सेट कर देगी अपने आप को, ठीक है। ये डुप्लीकेट कैलिब्रेशन है, इसका क्या है कि आपने एक कैलिब्रेशन कर ली सर, कैलिब्रेशन एक ही मोड पे होती है काओ पे, ठीक है, उस कैलिब्रेशन को मिक्स पे और बफेलो पे आपने कॉपी करना है, वो यहाँ से होती है। अच्छा, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट जैसे बताना कैसे होगी, यहाँ से क्लिक कर दिया बफेलो और मिक्स, आर यू श्योर वांट टू कॉपी, और कैलिब्रेशन काओ पे रहेगी ना हमेशा, काओ की कॉपी बफेलो पे, कॉपी पे उसी पे होती है, काओ पे होती है, बफेलो पे बफेलो पे भी कर सकते हो आप, कर सकते हो, लेकिन काओ पे करते हैं, कॉपी नहीं होगी, मिक्स पे नहीं होती, मिक्स पे नहीं होती, ठीक है। करने को तो सर देखो कर लेते हैं, इसका क्या है तो मशीन है लेके कर लेगी, लेकिन जो प्रॉपर जो सिस्टमैटिक तरीका है वो वही है, ठीक है। अभी ना एक थोड़ा पानी दे दो सर आप इसमें ना, इसको निकाल लो, इसका काम हो गया, कैलिब्रेशन का तो हो गया, टेस्टिंग का हो गया, फैट का। अभी मैं आपको मेन चीज बताता हूँ, सेंसर सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है, वो इससे पता चलता है, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। ये क्या करता है, जब हम पानी लगाएंगे ना सर, सेंसर में फॉल्ट है या लीकेज है पता लगाने के दो तरीके हैं सर। एक और ले आना, ये अल्ट्रासाउंड है सर, इस पे आपने बटन दबा दिया, पहले ये टेम्परेचर लेगा पानी का, ठीक है, ले लिया इसने, ट्वेंटी नाइन डिग्री कुछ, अब ये जो नंबरिंग चल रही है ना सर, ये नंबरिंग जितनी स्लो चलेगी नॉर्मल वे में, आप समझो मशीन का सेंसर वर्किंग है अच्छी कंडीशन में। अच्छा अच्छा, देखो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, 43, 44, 45 सीक्वेंस में चल रहा है नंबर वाइज। जब ये जंप करेगा, अभी 46 है, 56 चला गया, 88 चला गया, तो इसका मतलब सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा। यही एक सिंगल वे है, सेंसर अच्छे से अच्छी कंडीशन में है कि नहीं है ये बता देता है, एक मिनट में बता देता है आपको, ठीक है। अब ये हो गया, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये है कि जब आपने ये लगाया एनालाइज करने के लिए पानी, ठीक है, लगा दिया, ये आपने निकाल लिया, इसके बाद अगर सेंसर में लीकेज होती है तो यहाँ पानी टपकता है। अच्छा, यहाँ नीचे नीचे इसमें से पानी ले जाने के बाद में पानी टपकता, इसमें पानी टपकता रहेगा, अभी पानी नहीं टपक रहा है, इसका मतलब नीचे दो चीजें होती है इसकी, ये बहुत जरूरी है, वो नीचे कर दिए इसने, वो तो चलो हो गया, ठीक है।